जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। माता की सेवा का हिस्सा बन सकेंगे, आइए। विश्राम दिवस की पावन वेला है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, सम्मान, वंदन, अभिनंदन। हम सभी पूज्य देवी जी के पावन कमल चरणों में श्रद्धा में नमन करते हुए पूज्य, ये जो मन है ना, ये भगवान ने इसकी रचना की है। इंद्रियाणा मनश्शास्मि, कह रहे इंद्रियों में मैं मन हूँ, और त्रिगुण माया का इसमें भरा हुआ पूरा पॉइजन जहर है। आप देखो, मन छोड़ के गंदी बात में जाएगा, नहीं जाएगा। ये नहीं कि अच्छी बात में नहीं जाता, अच्छी बात में लगाओ तो लगेगा, और वो भी थोड़ी देर, और बुरी बात में लगाने की जरूरत नहीं। आराम से इसका स्वभाव रचना ऐसी रची गई है। अब यही गेम रखा गया है कि अब इसकी गति को रोको, अंतर्मुख करो, भगवदाकार करो, तो तुम्हें इनाम मिलेगा, त्रिभुवन पर विजय प्राप्त कर लोगे। वो अद्भुत आनंद अंदर ही मिलेगा, किसी से कहने की जरूरत नहीं, आनंद मगन हो जाओगे, और उसी आनंद की खोज। देखो, जब हमारा मन कहता है इस शरीर को भोग लें, इस वस्तु को भोग लें, अमुक, देखो सब अपने घर के जैसे बैठे हैं, क्या उसके भोगने के बाद मन को शांति मिलती है? थोड़ी देर के बाद फिर एक नया संकल्प बनता है, फिर एक नई, मतलब हमारी खोज अधूरी रही। वो नहीं मिला जो मैं सोच रहा था। सोचने में जैसा सुख मिलता है, वैसा ना भोगने में नहीं मिलता, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो दृश्य हो, चाहे वो कोई क्रिया हो। आप देखना, जो मन हमें सोचवा के पागल बनाता है, और जब हम उस पे जाते हैं तो वो चीज हमें नहीं मिलती है, तब लगता है कि वो यहाँ नहीं, शायद यहाँ हो, यहाँ नहीं, शायद यहाँ हो, ऐसे भटकते पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। बुद्धिमान वो है जो दो चार कदम में ही लौट आवे कि गलत दिशा में जा रहे हैं, पर हम पूरा जीवन चलते रहते हैं, लौटने की बात ही नहीं आती। और यहाँ तक कि शरीर वृद्ध हो जाता है, इंद्रियां काम नहीं करती, पर मन वैसे ही सलाह करता रहता है, फिर भी नहीं सोच पाता कि चलो अब हुआ पूरा जीवन की शाम, अब तो राधा राधा जब कर अपना काम बना ले। लेकिन नहीं, बूढ़ा है फिर भी शराब पीता है, बूढ़ा है फिर भी गंदी बातें देखता है, बूढ़ा है फिर भी गंदी चेष्टाएं करता है, बूढ़ा है फिर भी नहीं सोच रहा कि मुझे मरना है और भगवत प्राप्ति का अब की उपाय कर लूं, इतना जीवन दे गया। ये क्या है? ये मन का केवल खेल है, वो अपने मन के गेम में फंस गया, निकल नहीं पा रहा। अच्छा, इसमें ये हो कि चलो मन सुखी रहेगा तो भी नहीं, आप जितना गलत करते जाओगे उतना वो नकारात्मक सोचे पैदा करता चला जाए, और उसका परिणाम ये आएगा कि आपको डिप्रेशन में पहुंचा देगा, मतलब किसी भी तरह से इस चैन नहीं लेने देगा। तो इसको लाना तो भगवान के शरण में पड़ेगा, तभी शांति मिलेगी, तभी सुख। बहुत गंदा, बहुत गंदा, बहुत नीच है, और ये बहुत उत्तम है। ये अगर सही रास्ते को पा जाए तो दूसरे के लिए अपने प्राण दे सकता है, परहित के लिए अपने प्राण दे सकता है, ये भगवान से मिला सकता है, ये सब सुख दे सकता है। बस इसको गलत ढंग से जो प्रयोग होना शुरू हुआ है, इसका ये बंद कर दे, वही बात है। देखो, विरक्त मार्ग एक अलग होता है, लेकिन गृहस्थी में तो एक धर्मपूर्वक विषय सेवन की मर्यादा है ना, तो आप धर्मपूर्वक देख लो। अगर आपको अपनी पत्नी में, अपने पति में सुख नहीं मिला, तो विश्व में कहीं सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि है नहीं, तो आपको सीमित हो जाना चाहिए ना। लेकिन ऐसा नहीं होता, हम धर्म विरुद्ध बढ़ते चले जाते हैं, जो हमारा पाप बनता जाता है, हम क्लेशित होते जाते हैं। इसलिए हमें लगता है बहुत अच्छे अभी सत्संग के प्रभाव पड़ रहे हैं, तो हम निकल चले गंदी बातों से, हम निकल चले इस माया के फसाव से, नहीं तो धोखा ही धोखा, पूरी जिंदगी व्यतीत हो जाती है, भोगते भोगते हर इंद्रियां सब नष्ट होती जा रही, फिर भी भोग इच्छा, ये है क्या, समझो ना, पूरा जीवन हमको बेवकूफ बनाया जा रहा है। गौर से देखो, पूरा जीवन नहीं बेवकूफ बनाया जा रहा है, एक बार और देख लेते हैं, इसमें हमारा पूरा जीवन जा रहा है। सुख तो नहीं मिला, एक बार ऐसे देखते हैं, शायद इस पद्धति से देखते हैं, ऐसे भोजन बनाते हैं, ऐसे ये भोगते हैं, ऐसे ये देखते हैं, ऐसा फंसाव करके रोज हमको गिराता है, रोज हमको मन भ्रष्ट करता है। कभी नहीं कहता कि एक बार भगवान से मिलूं क्या, कभी उसका मन नहीं होता, इसको तो जबरदस्ती लगाना पड़ता है। इसको भगवान में लगाने के लिए भी भोगों का प्रलोभन देना होता है, तब ये भगवान में लगता है धीरे धीरे। ये भोगी मन भगवान में भी लगने के लिए तैयार, तो भोग के लिए देखो, भगवान को मना लोगे ना तो बढ़िया व्यवस्था बन जाएगी, चक जो चाहोगे सब हो जाएगा, जो चाहेंगे भगवान दे दे। बहुत मन बेवकूफ बनाता है, इसलिए हमें लगता है मन की बेवकूफी से बचना चाहिए। एक आया था भगतला,
उसने कहा भगवान से मैं भजन करूंगा, सब करूंगा, लेकिन 100,000 सुंदरियां स्त्रियां चाहिए। तो गजब का दिल है तेरा, गजब का दिल है यार। जिनके एक है ना, वो कभी कभी एक हालत में ऐसे बैठ के बैठते हैं। तो इसीलिए मल की कही में मत रखो, बहुत बड़ा भूत है ये, परेशान कर देगा, नष्ट कर देगा। इसे सतमार्ग में लाओ, भगवत मार्ग में लाओ, तभी आनंद की। इसकी केवल चाल है, ये नहीं, ये नहीं, ये वो है कहीं नहीं, पक्का समझ लीजिए। ये हमारे को भ्रम पैदा करता, कुछ नहीं, कुछ नहीं है। नाम जप करो, सत्संग करो, धर्म पूर्वक विषय भोगो, हम मना नहीं करते, एक उसे सीमा में रख के भोगो धर्म में, तो उससे क्या होगा, तुम्हें घृणा हो जाएगी। धर्म पूर्वक विषय भोगने से घृणा हो जाती है कि यार, और जो ये व्यसन करके और फिर इधर उधर मन, तो पाप के कारण बुद्धि ठीक निर्णय नहीं देती और बुढ़ापे तक पापाचरण, फिर दुर्गति को प्राप्त होते हैं। अभी समय है, अभी मन को समझा लो, मन को समझ। यही 5 भोग है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इसी में मनुष्य फंसा है और इन्हीं भोगों से हमारी दुर्गति हो जाती है। बोलो अभी तक फाइनल में अगर बोला जाए तो अभी तक क्या है अपने पास, कोई अनुभव है क्या? बस एक ही है कि एक बार और चांस मिल जाए बस, किसी भी विषय का, मतलब किसी भी विषय का मन में हर बार ये रहता कि अब की बार, लेकिन कभी अब की बार पूरी ही नहीं हुआ। तो इसको रोकना जरूरी है कि भजन साधन, धर्म पूर्वक विषय सेवन और समाज की सेवा, ये कभी एक बार ऐसा करके देखना, कोई बूढ़ा ऐसा भूखा प्यासा फुटपाथ में पड़ा हो और उसको कभी अपने घर लाना, नहलाना, धुलाना, कपड़े पहनाना और भोजन पवाना, फिर वो जब तुम्हारी तरफ देखेगा तो तुम्हें जो सुख होगा वो जिंदगी में किसी भी भोग में नहीं मिला होगा। आप लिख लेना हमारी बात। कभी कोई बीमारी से तड़प रहा हो, किसी के सेवा का वहां कोई अवसर नहीं है और आप सेवा का अवसर देकर उसे आप स्वस्थ करो, आप अस्पताल ले जाओ, फिर जो आपको सुख मिलेगा हम आपको कैसे बताएं, वो भगवान का आशीर्वाद होता है। जब कोई बूढ़ा, कोई बीमार, कोई असहाय, और जब आप उसकी सहायता करते हो तो उसके हृदय से जो आशीर्वाद, वो सुख जो मिलता है, जैसे हम आपको एक दिन करके देखना, तुम अपना भोजन बढ़िया जो है कोई ऐसे भूखे को खवा देना जो भूखा बैठा हो, और ऐसे जल्दी जल्दी और आप देखो उसको पाते हुए, और उस दिन आप वो भोजन ना पाओ उसे पवा दो, तो आपको जो सुख मिलेगा वो 56 प्रकार के भोग पाने में भी कभी सुख नहीं मिला होगा। वो सुख परहित करने से, दूसरे को सुख पहुंचाने से जो हृदय शीतल होता है वो कभी किसी से नहीं होता। इसलिए मानव जीवन के लिए मन को थोड़ा विरुद्ध जो चलने वाला है उसके विरुद्ध आप बनो, उसे सतमार्ग में लगाओ। अब देखो आजकल ऐसी बुद्धि बिगड़ गई कि अपने पूज्य माता पिता को ही बच्चे दुख दे रहे हैं, नंदा थप्पड़ मारना, क्या यार आज के जवान ने माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। अगर थोड़ा भी अध्यात्म से जुड़े होते तो मुझे लगता है शायद ऐसा नहीं करते, नहीं ना, धर्म से जुड़े होते, अध्यात्म से जुड़े होते, ऐसे माता पिता तो भगवान होते हैं। उनके आंखें नहीं, उनको नहलाओ धुलाओ, किसी मंदिर जाने की और जरूरत नहीं, उनको भोग लगाओ, उनको पवाओ, उनका जो आशीर्वाद है लोक परलोक तुम्हारा सब बना देगा। लेकिन जब अध्यात्म से नहीं जुड़े तो लगता है कौन उनको, ये क्या है, ये है मन का वो पापी मन, देखो कैसे पाप कराता है, कैसे निगेटिव चलाता है, कि अब ऐसे पुत्रों की क्या दुर्गति होगी। तो कभी अगर ऐसा अवसर किसी को मिले कि कोई फुटपाथ में ऐसे तड़प रहा हो तो आपको जरूर लगेगा कि काहे को बोझा ले, लेकिन आप उसका अगर बोझा ले लिए तो भगवान तुम्हारा बोझा ले लेंगे, जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जब ऐसे दीन दुखी आशीर्वाद देते ला, उसे भगवान का आशीर्वाद समझना। और जब माता पिता अंदर से साफ देते ना कि भोगोगे, तो फिर भगवान भी नहीं टाल पाते, फिर भोगना पड़ता है। इसलिए धर्म से चलो, किसी का अपराध मत करो, गंदी बातों में मन को न जाने दो, खूब नाम जप करो, यही मनुष्य जीवन का लाभ लो। मनुष्य जीवन एक दिव्य जीवन है, इसका एक दिव्यता का लाभ है यार। देखो अगर हम ना चाहें तो पूरी बाजार से निकल जाए, कोई सामान दुकान की आके हमारी लिपट थोड़ी जाती है, हम जहां खड़े होंगे जहां खरीदेंगे वही जो वस्तु हमें मिलेगी। तो अगर हम निश्चय कर लिया कि मुझे मांस नहीं खाना, मुझे शराब नहीं पीना, मुझे पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि नहीं करनी, तो मुझे कौन गिरा देगा? आप सोचो, हमारे निश्चय में कमजोरी, तभी हम डरते हैं कि कहीं गिर ना जाए, ऐसे कैसे? हाँ, कुछ कमियां ऐसी होती हैं जिससे अहंकार का नाश किया जाता है। जैसे आवाज आता है ना कि हम जितेंद्री, हम ऐसे, भगवान को अहंकार पसंद नहीं तो छोड़ देते हैं, देखो जितेंद्रियता करके, तब जब रोता है कि प्रभु मैं तो नीच किसी काबिल नहीं, तब भगवान फिर उठा लेते हैं। नाम जब करो तब
मजबूत ब्रेक लग जाएगी, कोई कैसे गिरा सकता है, कैसे गिरा सकता है, नहीं गिरा सकता। बात मान ली, बस हो गया हो गया। बात मानने से होता है। देखो, हमारी बात ना मानो, कंठी बंधवा लियो, तिलक लगा लियो, सब कर लियो, कल्याण नहीं होगा। हमारी बात मान लियो, कल्याण हो जाएगा। बात मानने का चेला होता है, ये कोई संसारिक थोड़ी कि भैया जैसे संसारिक संबंध होते ऐसे गुरु शिष्य का संबंध आज्ञा पालन से होता है। गलत नहीं करूंगा, जैसा कहोगे वैसा चलूंगा, अब आपने कह दिया, अब ये नाम जप करूंगा, बस हो गई बात। बात यह है कि हमको अब महत्व तो कर लेना है। अरे बोले ऐसे कह दिया था सिया राम 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 जपो, तो गुरु मंत्र तो मिला नहीं। तो कभी गुरु मंत्र मिल भी जाएगा तो लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपको संत वचन गुरु के वचन पर विश्वास ही नहीं हुआ। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, इस स्वप्न में भी लाभ नहीं मिल। मान लिया, हो गया हमारा सब कुछ, अब हम राम राम जप करेंगे, अच्छे आचरण से चलेंगे, तो यही नाम आपको बल दे देगा। जो आप कहते हो ना कि ऐसा बल कैसे आए, इसी नाम से आता है बल। माया पर जीतने का जो बल है वो भगवान की कृपा से, उनके नाम बल से आता है। देखो, नाम में इतनी सामर्थ्य, भगवान को अधीन कर लिया। सुमीर पवन सुत पावन नामो अपने बस कर इराके, फिर और क्या, काम क्रोध को जीत लो तो कौन बड़ी बात। भगवान अजित जीत गए। भगवान कह रहे, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख हो न सकत मन मोरा, तुम संतात उरिन मैं नाही। नाम जप करते हुए समाज सेवा, भगवत सेवा, माता पिता की सेवा, बस इससे बढ़िया वो साधना क्या है। अब बढ़िया गंगा जी से कपड़ा धो के लाए और फिर नाली में डुबो दिए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, मानो दे थोड़ा विवेक है, धर्म से विषय सेवन करो, पापाचरण करोगे तो फिर वहीं पहुंच जाओगे, नरक है। कर्मों की बड़ी गति है, इसलिए नाम जप कर लो और ये जीवन सार्थक। अच्छा, नाम जपने में सबसे बढ़िया बात ये कि इसमें बैठने की बात नहीं करे कि आप पद्मासन लगा के बैठो, क्योंकि दिन भर काम करो, राम 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 राम, अंदर से राम राम चल रहा, फावड़ा चल रहा, राधा 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 राधा, हर काम होता रहेगा। जब युद्ध हो सकता है मामुनिस्मर युद्ध से, तो युद्ध से खतरनाक कोई काम तो है नहीं। दूसरे की गर्दन काट ली, अपनी गर्दन बचानी युद्ध में, और भगवान अर्जुन को कह रहे मेरा स्मरण करते हुए युद्ध कर, तो इसका मतलब भगवत नाम जप करते हुए सब काम हो सकता है। ठीक है, तुम नाम जप करो और अच्छे बनो, इसी जन्म में भगवान को प्राप्त किया जाए, भगवान की स्मृति में डूबा जाए। अगर आपने भगवत प्राप्ति का कार्य इस जन्म में पूरा नहीं किया तो पहला दंड आपको मिलेगा बिना किसी कर्म के, इस बात का कि आपने भगवत प्राप्ति क्यों नहीं की। आपको चांस दिया गया, जैसे बहुत सरलता से हम समझाते हैं कि जैसे हम आपको विदेश भेजें सरकारी, भारत के संविधान के अनुसार आप भारतीय काम कीजिए, जाकर भारत के लिए आप ये काम कीजिए, और आप वहां जाकर जाने के लिए तैयार हो कि हमें वहां गाड़ी मिलना चाहिए, बंगला मिलना चाहिए, हमारी सारी व्यवस्था होनी चाहिए, तो सब व्यवस्था भारत सरकार ने कर दी। आप 20 वर्ष वहां रहे, आपको वापस बुलाया गया, आप जिस काम के लिए भारतीय संविधान के काम के लिए गए थे वो काम बिल्कुल नहीं किया, वो बच्चा पैदा किए, पढ़ाया लिखाया और ब्याह और सब सब काम किए, अब आप बोलो भारत सरकार आपको दंड देगी कि नहीं देगी, तो देगी ना, क्योंकि आप प्रधान कार्य के लिए ही सुविधा आपको सारी दी गई थी। तो मानो देह केवल संस्कृति मांझ बरियाई के पायो, जो मानुष देह वृथा कत डारत, संस्कृति के चक्र को रोक कर भगवान ने कबहुंक कर करुणा नरदेही, देत ईस बिनु हेतु सनेही, बिना किसी कर्म के अहेतु की कृपा करके आपको मानो दे दी कि जाओ नर्तन कर फल विषय न भाई, भजी राम सब काम बिहाई, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक संभारा, सो परत दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्मे ईश्वरे मिथ्या दोष लगाए। भाई क्या हमारा भाग्य नहीं था, हमारा भाग्य से भजन नहीं होता, भजन से भाग्य बनाएंगे हम, भजन से हम पूर्व कर्मों को मिटाएंगे, भजन से हम भगवत प्राप्ति करेंगे। जो न तरह भव सागर, असमाज नर पाए, स्वति निंदक मंद मति, आत्महनन गति जाए, वो आत्महत्यारे की गति को प्राप्त होता है केवल इस बात के लिए कि तुम्हें मनुष्य शरीर मिला, सारी सुविधाएं दी गई, लेकिन तुमने अपना काम नहीं बनाया। 83,99,999 योनियों में कोई एक भी ऐसी योनि नहीं जिससे हम भगवत प्राप्ति कर सकते, केवल ये मानव देह थी और उसको तुमने विषय सेवन में प्रपंच में नष्ट किया, तुम विशेष दंड के पात्र हो। कृपा हुई और तुमने उस कृपा को ठुकराया, अब भोगो अन्य योनियों में, अब पता नहीं फिर किस कल्प में भगवान की कृपा होगी और मुझे मनुष्य शरीर में। इसलिए मुझे इस जन्म में भगवत प्राप्ति करनी ही करनी है, इस पे हमें छूट नहीं रखनी। अब भगवत प्राप्ति किसे कहते हैं,
समझना तो पड़ेगा ना कि भगवत प्राप्ति किसे कहते हैं। मोक्ष को तो समझे तो मोक्ष ऐसे थोड़ी होता है, उसके लिए साधना बहुत कठिन साधना है। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों का राग त्याग करके स्मृति ही उसकी, इसकी स्मृति का भी त्याग हो जाए तब वो अपने स्वरूप में स्थित होता है। बड़ा कठिन ज्ञान के पंथ कृपान के धारा और परत खगेश लगे निवारा। अब इसको सरल सहज भाव में ले लो, जिसकी अखंड स्मृति भगवान की होती है वही मुक्त पुरुष है और वही भगवत प्राप्त पुरुष है। हर समय तुम्हारी याद में भगवान का नाम चलता रहे, राम कृष्ण हरि जो नाम प्रियो अपने, तुम वृंदावनवासी राधा राधा रखते, हर समय नाम चिंतन करते रहो। तुम मोक्ष चाहोगे तो मोक्ष मिल जाएगा, भगवत प्राप्ति चाहोगे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवत प्राप्ति का मतलब होता है भगवान को जिस भाव से, स्वामी भाव, सखा भाव, जिस भाव से वो प्राप्त हो जाए। और अच्छा इसमें है कि गिरने का भय नहीं। हम राधा राधा जपते हुए किसानी कर रहे हैं, राधा राधा जपते करते नौकरी कर रहे, राधा राधा जपते हुए संसार के सब कार्य कर रहे, तो हमको संसार के कार्य भी हो जाएंगे और भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी। अच्छा मिथ्या भाव हमारे यहाँ लगाना नहीं, भगवत भाव लगाना है। सब में भगवान है, हम जिससे मिलते हैं उनके हृदय में भगवान है, वैसे बर्ताव करते हैं, चाहे पुत्र हो चाहे पत्नी हो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। बहुत सरलता से निपट गए संसार से, बहुत सरलता। पर भजन नहीं किया तब तो दंड मिलेगा, क्योंकि सरकार ने भेजा है यहाँ सरकारी काम करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। अब अगर चूक हो गई तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा देखो तुम्हें तो कुछ गड़बड़ होना है नहीं, तुम तो अविनाशी भगवान के जन हो, अविनाशी स्वरूप है ना अपना सबका। लेकिन जैसे स्वप्न में लाठी चलती है कुछ नहीं होता है, पर पीड़ा होती कि नहीं होती स्वप्न के समय? स्वप्न के समय अगर लाठी चलावे तो वैसे लगती है नहीं। स्वप्न में अगर हम डूब रहे हैं तो वैसे डूब रहे, स्वप्न में अगर पिटाई शुरू है या कोई गला काटने जा रहा तो वैसे भय लग रहा है, और है कुछ नहीं तो दंड तो भोगना पड़ेगा ना। ऐसे ही जागृत में है, ऐसे ही नरक आदि में है। अविनाशी आत्मा को कोई कष्ट थोड़ी होता है, पर जब तक ये बोध नहीं होगा तब तक तो भोगना ही पड़ता है ना। देखो स्थूल देह सैया में पड़ी होती है और स्वप्न में हम देख रहे हैं कि हम समुद्र में डूब रहे हैं, अब वो ऐसे कष्ट हो रहा है, समुद्र भी दिखाई दे रहा है, डूब भी रहे, और जो डूबने वाला शरीर है वो तत्कालिक स्वप्न में बना हुआ है, क्योंकि शरीर जो स्थूल शरीर वो तो सैया में सो रहा है। अब बताओ उसको कैसे बचाया जाए, जो स्वप्न में समुद्र में डूब रहा है, अब आप उपाय बताओ उसको कैसे बचाया जाए। एक उपाय है कि उसको जगा दो, चाहे जितनी नौका लगा दो, चाहे मंत्रवेत्ता लगा दो, चाहे तैराक लगा दो, उसको आप बचा ले सकते हैं। उसके बचाने का उपाय है जगा। ऐसे ही हम सब मोह निशा सब सोवनिहारा, देखे स्वपन अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागे जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, जाने सुत वही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। बोले मोह निद्रा में सब सो रहे, ये पत्नी है, लड़का है, बच्चा है, रुपया है, पैसा है, ये कर लिया, ये कर लूंगा, ये कमा लिया, ये कमा लूंगा, ये जमा कर लिया, ये जमा कर लूंगा, और सोचते सोचते मर गए, कुछ नहीं कर पाए जो करने आए थे। अब कोई सदगुरु जगा दे, ए उठ मोह निद्रा में सो रहा है, तो जानिस तबई जीव जग, जब सब विषय विलास विरागा, तभी जानना सत्संग का रंग चढ़ रहा है, जब गंदी बातें छूटने लगे और अच्छे आचरण होने लगे और भगवान नाम जप होने लगे, तो जान लेना आप जाग रहे हैं, और जग गए तो स्वप्न के जैसे सारे दुख मिट जाते हैं, ऐसे तुम्हारे सारे पाप दुख चिंता शोक सब नष्ट हो जाएंगे। पर जगना पड़ेगा, बिना जगे नहीं हो सकता, बिना जगे एक ही उपाय है, जगना पड़ेगा, अर्थात भगवत प्राप्ति करना पड़ेगा, नहीं तो दुख से पिंड नहीं छूटेगा। है झूठा पर बहुत जोर का फुसकार मार के काटता है, झूठा सांप है रस्सी का सांप, पर ऐसा काटता है, वो ऐसा अनुभव होता है कि जहर चढ़ गया पक्का। देख लो सब पूरा जहर चढ़ा हुआ है और कुछ नहीं हुआ, आत्म तत्व को ना कभी फर्क पड़ा था, ना पड़ रहा है और ना पड़ेगा। पर भैया ये स्वप्न है, बड़ा दीर्घ स्वप्न है, इससे जगो। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन, और जगत सब
सपने में हो, ना कोई माता था ना कोई पिता था, ना है और ना रहेगा। ऐसे है ये रूप, एक दिन नहीं दिखाई देगा। लाख उपाय कर लेना, मिट्टी में मिल जाएगा, खत्म। फिर ना पहले था ना बाद में रहेगा, बीच में प्रवचन कर रहा, इसका क्या भरोसा? स्वाप्निक है ये स्वाप्निक है। जो इसके अंदर है वो सत्य है, और अंदर वाले से परिचय नहीं हुआ, बाहर वाले का टिकेगा नहीं। भाई इसी में हम झूठे में मारे जाते, हर जन्म में मारे जा रहे हैं। हम झूठे से प्रेम करते हैं बाहरी, और वो टिकता नहीं, और जो अंदर का है उससे प्यार हुआ नहीं, खाली हाथ। फिर तो एक बार तो यार इस पर विचार करो कि मेरे जीवन का परम लाभ क्या है, भगवान का चिंतन, भगवत में इसी से परम लाभ। नारदानंद सरस्वती जी महाराज थे, उनके पास एक बुढ़िया गए बिल्कुल साधारण भेष में, और एक रुपया निकाला, आज के लगभग 35 वर्ष पहले की बात बता, कि एक रुपया, और हो सकता है 40 वर्ष भी हो गए हों, तो एक रुपया निकाला, काम महाराज जी सब संतों की सेवा में लगा दो। महाराज जी ने देखो, बहुत गरीब ऐसा दिखाई दे रही थी, वो बन के आई थी, कानपुर की महानगर की बहुत बड़ी धनी थी। स्वामी जी को पता नहीं, स्वामी जी इनका भंडारी को बुलाया, सुनो एक रुपये का नमक लाओ दाल सब्जी में, इसका नमक में सब संतों को भोग हो जाएगा, और इस माई को भी पवाओ। पाया, इसके बाद कई करोड़ की संपत्ति थी वहीं समर्पित कर दी, कि मैं जान गई जो एक रुपये का मेरा सदुपयोग कर सकता हो, मेरी सारी संपत्ति का सदुपयोग कर सकता। देन हार कोई और है, देत रहते दिन देन, कहां किसके हृदय में प्रेरित करके भगवान कब करवा दे। मांगने से कितना मांगोगे, कितना कभी कभी उपासक भविष्य की चिंता में फंस जाता है, बिल्कुल मूर्खता, बिल्कुल कोरी मूर्खता। 100 में 1% भी बुद्धिमानी नहीं। कैसे? हमारा वर्तमान यदि भगवत चिंतन में चल रहा है तो भविष्य हमारा गुलाम होगा। शब्द हमारे याद कर लो, और वर्तमान विषय चिंतन में चल रहा है तो भविष्य में तुम विषयों के गुलाम होकर अगली दुर्गति को प्राप्त होगे। शब्द याद कर लो। यही तो अपने लोग समझ नहीं पा रहे माया की चाल को। हम वर्तमान के समय को भविष्य मंगल हो इसमें बर्बाद कर रहे हैं। कैसे होगा? वर्तमान में तुम राग द्वेष का चिंतन करो, विषय का चिंतन करो, तो तुम्हारा भविष्य मंगल कैसे होगा? बोले अगर हम भविष्य के विषय में नहीं सोचेंगे तो फिर क्या होगा? नहीं, भगवान तो आदेश नहीं कर रहे कि आप भविष्य के विषय में चिंतन कीजिए। भगवान तो कह रहे हैं अनन्य चेता सततम, मेरा केवल तुम अनन्य चिंतन करो। मालिक बोल रहे हैं, अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी आदेश कर रहे हैं, केवल केवल तुम्हारा अभ्यास वर्तमान में भजन का अभ्यास, योग युक्तेन चेतसा नान्य गामिना। तुमको ये अभ्यास करना है कि अगले सेकंड में क्या होगा इसका चिंतन नहीं होना चाहिए। ये सेकंड श्री जी के चिंतन में गया, बोले अगले सेकंड का चिंतन नहीं करेंगे तो कल का क्या होगा? परम मंगल होगा, क्योंकि तुम्हारा भगवत चिंतन चल रहा है, अब परम मंगल होगा। भविष्य उनका भयावह होता है जो भगवान से विमुख है। कुछ भी कर लो भयावह ही होगा, दुखद ही होगा। और जो वर्तमान में प्रभु का चिंतन करते हैं, पूरा संसार कुछ कर ले, उनका भविष्य उज्जवल और महामंगल होगा। बात पकड़ो सत्संग की। भगवान भविष्य के लिए ठेका ले रहे हैं, दूसरा बोले तो थोड़ा संशय कर सकते हैं, लेकिन मेरे मालिक बोल रहे हैं, मेरे प्यारे बोल रहे हैं, योगक्षेमम वाहम्यहम। कैसे हम कलंकी शरणागत है कि अपने स्वामी पर विश्वास नहीं करते? स्वामी आदेश कर रहे हैं वर्तमान में अनन्यस चिंतयन्तो माम, बस तेरा केवल कर्तव्य है मेरा चिंतन कर, भूत की चिंता मत कर, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा यह भूत, ये भूत नष्ट हो जाएगा जो बीत गया है, और भविष्य तेरा महान मंगल में। पूज्य श्री राधा बाबा, तुमने एक बार बोला राधा कृष्ण, तुम्हारे भविष्य के मंगल महल की नींव पड़ गई।
आहा, हम महापुरुषों के वचनों को सुनते हैं पर धारण नहीं करते। भविष्य में वही होगा जो मेरे प्यारे चाहते हैं, दूसरे के चाहने से नहीं होगा। प्यारे अपने जनों को परिपक्व करने के लिए कुछ भी लीला कर सकते हैं, साथ रहकर। कोई भी लीला अकेले नहीं होगी, चाहे वो भयावह हो या सुखद हो, दोनों लीलाओं में प्यारे साथ रहेंगे तो हमें चिंता क्या करनी। आनंद समुद्र हमारे साथ टहल रहा है, हमें दुख की चिंता? महान लक्ष्मीपति हमारे साथ टहल रहे, हमें रुपये की चिंता? काल भी जिनके भय से भयभीत होता है, ऐसा महाबलवान हमारा प्रीतम है, हमें भय? हे छोड़ो, महान आनंद के लिए ये मनुष्य जन्म मिला है, भविष्य की चिंता मत करो। मृत्यु से बढ़कर भयावह कुछ है नहीं, और इस मार्ग का पथिक पहले मृत्यु को स्वीकार करता है। जीवित मर जाए उलट आप में समाए, हे भयभीत मत हो, कल क्या होगा इसकी चिंता मत करो। अभी श्री जी को भूल रहे हो, ये सबसे बड़ा अपराध है। अभी राधा बोलो, अभी श्री जी का चिंतन करो, कल तुम्हारा मंगलमय आएगा, कल की तुम चिंता मत करो। हम इसी चिंतन में तो अपनी प्यारी जू प्यारे जू से विलग हो जाते हैं। हमें लगता है कि हम जिससे प्यार करते हैं उसको कैसे सुरक्षित रखें। चाहे आप अपने गुरु को प्यार करते हो, या आप अपने शरीर को प्यार करते हो, या आप अपने शरीर संबंधी को प्यार करते हो, कहीं भी ऐसा होता है, हमें जिससे अधिक प्यार होता है उसको दुख ना पहुंचे, ऐसा उस प्रेमी के हृदय में होता है। चाहे जिसका प्रेमी हो, चाहे शरीर प्रेमी हो, किसी का भी, वो ये सोचता है कि जिससे मैं प्यार करता हूं उसको दुख ना पहुंचे, यही प्यार का लक्षण है। पर अब शरीर से प्यार करते हैं तो बहुत जन्म हो गए, हम इसे दुख से नहीं बचा पाए। हम शरीर संबंधियों से प्यार करते हैं, बहुत जन्म हो गए हमें इन्हीं संबंधों में भटकते हुए। विचारवान बनो, मतलब हमारा गलत जगह प्यार है। अब हमारा प्यार सही जगह पहुंचने के लिए मार्ग मिल गया, वो है हमारे प्रभु प्रियालाल, हमारे गुरुदेव। यदि आपको भय लगता है कि मेरे गुरुदेव को, मेरे प्रियालाल को कोई कटु वचन न बोल दे, कोई दुखद वार्ता न कर दे, कभी ऐसा कुछ न हो जो मैं प्रतिकूल देखूं और प्रतिकूल सुनूं, तो हम आपको एक उपाय बताते हैं। या आप जिससे भी प्यार करते हो उसको सुरक्षित रखना चाहते हो, दुख ना प्राप्त करे, तो आपको उपाय बताते हैं। जब श्री यशोदा मैया ने देखा कि मेरे लाला के ऊपर बहुत बाधा पड़ रही, तो जानते हो क्या किया? भगवान नाम का कवच बांध दिया। ऋषिकेश तुम्हारे आंख रक्षा करे, गदाधर भगवान यार रक्षा, वही है, वही है, ऋषिकेश है। भगवान की सुरक्षा भगवान के नाम से की जा रही, तो तुम नहीं कर सकते क्या? तुम अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हो तो नाम कीर्तन करो, नाम जप करो। अपने गुरुदेव का यश बढ़ाना चाहते हो, पवित्र आचरण करके नाम जप करो, कभी कोई बाधा नहीं आएगी, तुम्हारे कान में नहीं आएगी। तो तुम जान जाओ कि गुरुदेव अबाध तत्व है, गुरुदेव बाधित होने वाले तत्व नहीं। गुरुदेव ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम, गुरुदेव मनुष्य नहीं है। नाम 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 जप करो, नाम छूट गया तुमने अभी अमंगल कर दिया, नाम जब छूट गया प्रपंच में अभी गुरु की तुम बेइज्जती कर दी, अपमान कर दिया, गुरु के आदेश का खंडन कर दिया। नाम तुम्हारे द्वारा ही तुम्हारे हृदय में विराजमान गुरुदेव का प्रकाश होगा। गुरुदेव तो बैठे सबके हृदय में और वो प्रकाशित हो